चले मिलकर लेट्स गो कम ऑन ये सामान डालो पानी की बोतल दोनों ताले लगा लेना है ओके हमारा मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चले चले वेलकम हम लोग निकल गए हैं अपने घर से कैंटोनमेंट के अंदर जो है और अब हम आपको थोड़ा सा कैंटोनमेंट दिखाते हुए मेन गेट तक ले चलते हैं याद है ना ये है हमारा ट्विंस पार्क है जहाँ हम बैडमिंटन खेलने आते हैं ये एक छोटा सा पार्क है अब इसको की बस आ रही है बच्चों स्कूल जा रहे हैं और हम छुट्टी होकर जा रहे हैं और ये राइट हैंड साइड वहाँ पर टेनिस कोर्स है और बस आप हमने ये सब घूमिए कैंट ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये हमारे कैंट का मेन गेट है हम निकल गए हैं कैंट से बाहर बाय बाय कैंटमेंट हमने हमारा गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल कर दिया है तो चले यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं इतनी ठंडी में एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते पहाड़ों में लेकिन जो लोग रहते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं पहाड़ों पे बहुत ही अच्छी हवा होती है ना हवा खाते हैं ऑक्सीजन हवा खाते इट्स मतलब नेचुरल एयर होती है ना नेचुरल एयर बाकी आर्टिफिशियल है हाँ पोल्यूशन पोल्यूशन की वजह से आर्टिफिशियल ही हो गई है अब भाई आर्टिफिशियल कैसे हुई नेचुरल पोल्यूट हो गई पोल्यूट हो गई भाई आर्टिफिशियल बहुत सारे मजा आ रहे हैं सो गाइस अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए उतर गए क्योंकि हम खाली पेट ट्रैवल करना स्टार्ट किया था हमने बट अभी हमें मतलब आधा घंटा हो गया हमें ट्रैवल करते हुए तो हमने सोचा कि अभी खाना खा लेते हैं उसके बाद अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू रखेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है Welcome to Punjabi Rasai. So fancy. And Toss, क्या खाना चाहते हो? सैंडविच भी चलेगा. चाहते क्या हो खाना? साबुदाना बड़ा. साबुदाना बड़ा, okay. Your big choices, man. बड़ा खाना है. वो देखो उसे मेनू भी मिल गया. I'll also go for parathas. So
गाइस अभी मैं एक रेस्टोरेंट पे हूँ और हमने खाना खा लिया है, तो अभी देखता हूँ मैं आप लोग के रेस्टोरेंट कैसा है। एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट। ये हमारे रास्ते में था तो हमने कुछ इधर खा लेते हैं खाना। एंड दिस इज़ अ वेरी ग्रेट रेस्टोरेंट आपसे अभी के लिए, एंड काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, बेकार नहीं है। एंड बस अभी हम जा रहे हैं, बस अब क्या तो अभी हम गाड़ी में चलते हैं। अभी मम्मी लोग वॉशरूम गए हैं तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देंगे। थैंक यू। तो हम लोग ने यहाँ पे खाना खा लिया है और सी यू गाइस। सो गाइस हमने खा लिए पराठे और छोले भटूरे, तो चलो देखते हैं आगे क्या है। सो गाइस हमने खाए छोले भटूरे और हमने खाए छोले भटूरे। तू ना हंस ले सर। तो गाइस हमने खाए छोले भटूरे और पराठे, बहुत मजा आया, पेट भर गया। और पंजाबी स्टाइल में थे तो बहुत मक्खन खा लिया अभी, तो 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। तो आगे की जर्नी पे चलते हैं। स्पीड एक्टर नहीं सॉरी नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है क्या? क्या यार क्या यार बोल गया देख ना, अभी कुछ नहीं हुआ। देखो गाइस को दिखा देता हूँ। गाइस मैं नोचती हूँ, फिर दिखा दे रहा है ना। बकवास मत कर। अगलू ये क्या मेरे सोने से बता, उसमें बता रही हूँ टेंडर चली होगा मिले चली हो। तो ऐसे नहीं करते तो मोटे चुला रहा है, थप्पड़ मार रहा है। दो दो के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है और हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। तो है देना यार, क्यों 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 मैंने खा लिया। मुझे ना बहुत अच्छी नींद आ रही है, तुम्हें सोने में मेरे को तेरी नींद से क्या, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या करूं, तुम्हें क्या मिलेगा, शांति मिल जाएगी। तू बहुत बोर है, चल चोर मम्मी को दिखा दो। बोर क्योंकि मैं सो रही हूँ। सो रही है, अब नहीं सो पाएगी बच्ची। मोटे लेट मत बोल, यहाँ पर उठ बैठो। देख लिया हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया है। चल ठीक है। अबे वो थी गाय सड़क पे, अबे वो नहीं। अंकल जी क्या हो गया आपको, इतने शॉप्स में से तुझे सिर्फ गाय दिखी। हाँ गाय हमारी माता है। अब तो मैं कुछ नहीं आता है, कुछ आता है मतलब क्या था मम्मी,
मतलब क्या था उसका? तुम ये कहा गए हमारी माता है, तो मैंने कहा मैं कौन हूँ माता? मम्मी देखो दस लाख गाय बोला दोबारा कभी पता नहीं आ पाएंगे वापस बोल लो। अभी हम जा रहे हैं बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मुझे पहली बार वैजनाथ सुनाई दिया था। वैजनाथ बैज और वैज दोनों सेम ही लगते हैं। अच्छा मुझे फिर से लगा कि आपने वैजनाथ बोला। तो गाइस हम आए वैजनाथ टेंपल और यहाँ से हमें दो मिनट का रास्ता है, तो हमें पैदल जाना पड़ेगा और हमने गाड़ी पार्क कर दी है। हाँ बोलते चलो चलो चलो। कल ठीक है 50 रुपये ना? हाँ एक ले लो एक बोल। वाओ अच्छा ना, कितना पुराने जमाने का जैसा लग रहा है ना। किसी एक्टर ने बनाया था इसे। अभी देखते हैं आपकी स्टोरी क्या है। सो लेट्स गो। सो हम पहुंच गए एंड हमने प्रसाद भी खरीद लिया, तो देखते हैं कैसा है अंदर से मंदिर। बाजू तन बोला अपना झांसी जुलूस जो कहते हैं ना,
हर महादेव, हर महादेव। So guys, आज अपने हमारे से घुमा बैद्यनाथ टेम्पल एंड दैट वॉज वेरी ऑथेंटिक, बहुत पुराना टेम्पल था और बहुत अच्छी आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाई दी उस टेम्पल को बनाने में, और वो बहुत अच्छा टेम्पल था। और अल हम कल निकलेंगे कसौल की ट्रिप के लिए, तो सी यू गाइस देयर एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू।